जिन्होंने सफल बनाया चंद्रयान मिशन, उन्हें नहीं मिली सैलरी। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल हियर वी हैव अ मेजेस्टिक लिफ्ट ऑफ ऑफ LVM3 M4 रॉकेट कैरिंग इंडियाज प्रेस्टीजियस चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट। 17 महीने से बिना तनख्वाह काम कर रहे चंद्रयान के इंजीनियर। पीटू ट्रैकिंग प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। मोदी जी चंद्रयान लॉन्चिंग पर ताली तो बजा ली, सैलरी कब देंगे? इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। 14 जुलाई को जब इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की तो हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो गया। पीटू ट्रैकिंग प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। हर इंडियन यही सोच रहा था कि अब चांद पर भी तिरंगा लहराया जाएगा। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। चंद्रयान 3 मिशन में लगे वैज्ञानिक और इंजीनियर सफल लॉन्चिंग पर तालियां बजा रहे थे। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल हियर वी हैव अ मेजेस्टिक लिफ्ट ऑफ ऑफ LVM3 M4 रॉकेट कैरिंग इंडियाज प्रेस्टीजियस चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट। मोदी सरकार इस कामयाबी को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए नहीं थक रही थी। एंड बिफोर आई कंक्लूड लेडीज एंड जेंटलमैन एज मदर इंडिया enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब बनाने में लगे इंजीनियर्स और कर्मचारियों को पिछले 17 महीने से सैलरी तक नहीं मिली है? जी हां, चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड तैयार करने वाले इंजीनियर्स को बीते 17 महीने से बिना तनख्वाह के काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। जी बिजनेस की खबर के मुताबिक चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड बनाने वाली HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स और कर्मचारियों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। चंद्रयान समेत इसरो के तमाम बड़े उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग पैड बनाने वाली कंपनी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारी और इंजीनियर सैलरी के लिए भटक रहे हैं। रांची के धुरवा में स्थित ये PSU देश के भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इसकी ख्याति देश में मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के रूप में रही है। पिछले 2-3 सालों से वर्किंग कैपिटल के गंभीर संकट से जूझ रहे HEC में आज की तारीख में 3000 से ज्यादा इंजीनियर और कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन सरकारी कंपनी पर इनका 17 महीने का वेतन बकाया है। वेतन की मांग को लेकर इंजीनियर्स और कर्मचारी लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए इसरो से मिले वर्क ऑर्डर को पूरा करने में इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसी का नतीजा रहा कि मोबाइल लॉन्चिंग पैड, टावर क्रेन, फोल्डिंग कम वर्टिकली रिपोजिशनल प्लेटफॉर्म, हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर, 6-axis CNBC डबल कॉलम वर्टिकल टर्निंग और बोरिंग मशीन, 3-axis CNC सिंगल कॉलम वर्टिकल टर्निंग एंड बोरिंग मशीन समेत जटिल उपकरणों का आपूर्ति तय समय से पहले दिसंबर 2022 में ही कर दी गई थी। शुक्रवार की दोपहर जब श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई तो HEC के इंजीनियर्स और कर्मचारियों में गर्व के साथ खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने वर्कशॉप के बाहर इकट्ठा होकर केक काटा और तालियां भी बजाई। कंपनी के गेट के पास इंजीनियर्स ने चंद्रयान 3 और HEC का रॉकेट नुमा मॉडल भी बनाया था, लेकिन इनकी मेहनत को उसका दाम तक मोदी सरकार नहीं दे पा रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक HEC के पास वर्क ऑर्डर की कमी नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की कमी के चलते समय पर काम पूरा नहीं हो पा रहा और इस वजह से कंपनी लगातार घाटे में डूबती जा रही है। कर्ज का बोझ इस कदर है कि इनकी तनख्वाह देने में भी कंपनी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। HEC ने भारी उद्योग मंत्रालय से 1,000 करोड़ रुपए के वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने के लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार कारखाने को किसी तरह की मदद नहीं कर सकती। सरकार ने कह दिया है कि कंपनी प्रबंधन को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, यानी पूंजीपतियों के लाखों करोड़ के लोन को चुटकी बजाते ही माफ कर देने वाली मोदी सरकार देश का नाम रोशन करने वाली एक सरकारी कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए तक मुहैया नहीं करा पा रही। जिन इंजीनियर्स की टीम ने दिन रात एक करके देश का नाम रोशन किया, वो अपना घर कैसे चला रहे हैं इस बात की चिंता कोई नहीं कर रहा। अब HEC घाटे में चल रही है, सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही और फिर यही कहा जाएगा कि घाटे की कंपनी को प्राइवेट हाथों में बेच देते हैं।
ये पैटर्न बन गया है कि सरकारी कंपनियों को लगातार घाटे में दिखाओ और फिर उसे बेच दो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले पीएम मोदी की सरकार में धीरे धीरे सब कुछ बिकता जा रहा है। चंद्रयान मिशन को कामयाब बनाने वाले इंजीनियर्स को सैलरी ना मिल पाना देश के लिए शर्म की बात है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारा काम पसंद हो तो आप हमें मदद भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।